फिर कई अप्स एंड डाउन्स आए जिसमें हार्दिक की ही कही हुई बातों को लेकर और उनके किए हुए कामों को लेकर उनको घेरा गया। आज वो कहां खड़े हुए हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं उस सियासी जमीन पर जहां आज वो खड़े हुए हैं, खड़े हुए ये उनसे समझेंगे। और इसके अलावा उनके पुराने साथी आज क्या साथी रह गए हैं, रोहन गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ हम ये चर्चा करेंगे कि कांग्रेस ने क्या वाकई 27 साल तक भारतीय जनता पार्टी को वॉकओवर दिया इसलिए सरकारें बनती चली गई, या इस बार कांग्रेस में वो दमखम दिखाई दे रहा है कि अब हार्दिक को भी पछताना पड़ेगा कि उन्होंने पार्टी छोड़ी क्यों, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप दोनों का, हार्दिक और रोहन बहुत धन्यवाद आपने वक्त निकाला और सत्ता सम्मेलन में आप जुड़ रहे हैं। लेकिन हार्दिक सबसे पहले तो आपसे मैं ये समझूंगा कि रोहन भाई के बगल में बैठा हुआ अभी कैसा लग रहा है, मतलब पोस्ट मई 2022 भारतवर्ष के TV9 के इस सत्ता सम्मेलन गुजरात के कार्यक्रम के लिए पूरी टीम को मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं और अभिनंदन भी देता हूं कि आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से हर कोई पार्टी का नेता अपने अपनी बात जनता के तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। आपने कहा कि किसी के साथ हम बैठे हैं तो स्वाभाविक है कि जहां से हम जिस पृष्ठभूमि से आते हैं तो वहां साथ काम किया होगा और स्वाभाविक रूप से राजनीति का मतलब यही होता है कि जो जहां से भी काम करे जन सेवा के कामों में व्यस्त रहे और लोगों को मदद करने का काम करे। और इसी कारण से हमने 20 साल की उम्र में आंदोलन किया, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की, कहीं वफा हुए कहीं बेवफा हुए, लेकिन स्वाभाविक रूप से कुछ अच्छा काम करने का प्रयास किया है और आशा रखता हूँ कि आने वाले दिनों में भी ये काम हम गुजरात के लोगों के लिए करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जो सपना गुजरात और देश को लेकर है उस सपने को साकार करने में उनके साथ जुड़े हैं तो स्वाभाविक रूप से आने वाले दिनों में भी अच्छा काम करेंगे। वफा की बात की आपने, तो वफा निभाने की रस्म तो ये कहती है कि है इसी में प्यार की आरजू कि वो जफा करें मैं वफा करूं, और आपने तो वफा करने के बाद आपको इतनी जल्दी वर्किंग प्रेसिडेंट तक बना दिया गया, सब कुछ दिया गया वहां, लेकिन आप वहां से चल निकले। देखिए कई बार यहाँ कई नौजवान और यंग लोग बैठे हैं तो मैंने कई बार ऐसा भी देखा है कि लव मैरिज भी 3 दिन चलती है और 30 साल भी चलती है, तो वो अलग चीज है कि जहाँ हम गए थे वहाँ उनका क्या इरादा था, लेकिन हम पहले भाप गए वो इरादा तो संभल गए। तो मेरा जो 21 साल की उम्र से जो शुरुआत हुई थी, हम 5 साल आंदोलन किए, कांग्रेस में जुड़े थे किस लिए, कि लोगों का कुछ अच्छा काम हो, लोगों का हम भरोसा जीते, उनकी मदद करें। लेकिन जो काम हमने 3 साल के भीतर गुजरात और पूरे देश में देखा, देखिए ये पूरा नेशनल चैनल में मेरी बात लोग सुनेंगे, 25 साल का नौजवान भी पार्टी छोड़ रहा है, 50 साल के लोग भी छोड़ रहे हैं और 80 साल के गुलाम नबी आजाद भी पार्टी छोड़ रहे हैं। तो सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी जब लोग छोड़ते हैं तो चिंता उन लोगों को ये करनी चाहिए कि लोग हमसे छोड़ के क्यों जाते हैं। हम पिछले 4 साल के देश की बात करते हैं, आरपीएन सिंह जी से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से लेकर जितिन प्रसाद से लेकर पंजाब और हरियाणा के कई नेता है, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल है, और गुजरात की बात करें तो पिछले 6-7 सालों के भीतर कम से कम 30 से अधिक एमएलए कांग्रेस को छोड़ के गए हैं। कांग्रेस को छोड़ने के पीछे का रीजन सब लोग ये समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी में जो नेतृत्व होना चाहिए वो नेतृत्व नहीं है, आपसी लड़ाई है। अभी पूरे देश में ये लोग भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, हम तो ये कहते हैं कि उनको कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए ताकि कांग्रेस से लोग चले ना जाए। तो कहने की बात, जब मैंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया तो जब मेरे लेटर को कोई लोग पढ़ रहे थे तो बोलते थे कि बीजेपी के लोगों ने लिखा है। मैंने उसमें राम मंदिर का जिक्र किया था कि राम मंदिर को लेकर कांग्रेस का स्टैंड क्लियर नहीं था, और मेरे लेटर के 3 दिन के बाद गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी ने अपना स्टेटमेंट दिया था एक जाहिर कार्यक्रम में कि राम मंदिर की मंदिर के लिए जो इकट्ठी गई शिलाएं थी उस पर कुत्ते जाके पेशाब करते हैं। तो यही सारी चीजें हैं जिसको लेकर कांग्रेस के साथ वैचारिक बात हो या जनहित के साथ जुड़ी भावना की बात हो उसके साथ हम संबंध नहीं रख सकते थे लंबे समय तक, तो इसलिए हमने संबंध को तोड़ा है और वो संबंध को हमने जग जाहिर तोड़ा है। वो चोरी छिपके प्यार करने वाली बात नहीं है, खुल के कहा इनके साथ थे तो थे, अब नहीं है तो नहीं है। रोहन भाई, लव आपके साथ हुआ, मैरिज कहीं और हो गई? देखिए मैं नहीं चाह रहा था कि बात नेगेटिव से शुरू हो, हम मुझे विश्वास था कि जब हम गुजरात की बात करें तो गुजरात की जनता की बात करें, पर उन्होंने अब शुरुआत कर दी तो अंत मुझे करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। और एक कहावत है कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है, उनकी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी। और एक भी कहावत है कि गब्बर सिंह कहकर गया, जो डर गया वो मर गया। ठीक है, इसका क्या मतलब है वो भविष्य दिखाएगा, उनकी व्यक्तिगत मजबूरियां रही होंगी।
आज वो भी आंदोलन से हैं, और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने कहा कि बीजेपी द्वारा जो दुरुपयोग हो रहा है पूरी सिस्टम का, वो भी उसका शिकार होंगे, उनकी मजबूरियां रही होंगी। पर उनसे एक व्यक्तिगत साथी के तौर पर मैं हमेशा अपेक्षा करता था कि ठीक है, आपको जिस पार्टी ने प्लेटफॉर्म दिया, आपको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, इतना आपको वो दिया, मुझे नहीं लगता था कि बिलो द बेल्ट हिटिंग करके ये करना चाहिए था। मैं बीच में नहीं बोला था, मेरी बात को पूरा करूंगा, जो भी है उनकी व्यक्तिगत मजबूरी उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा। आज जिस डिबेट में हम बैठे हैं, गुजरात की जनता की डिबेट है। अब मैं यही सरप्राइज कर रहा हूं कि इनके छोड़ने के पहले के सवाल इनसे पूछूं भाजपा के ना पूछूं, पर जब उन्होंने छोड़ दिया तो सवाल तो मुझे पूछने पड़ेंगे। मुद्दा क्या है यहां पे? जब आप कहते हैं कि हम आंदोलन से हैं, जनता के लिए आप लड़ रहे हैं, मुसीबत तो आएगी, 100% मुसीबत आएगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी। क्या आप में वो लड़ने का जज्बा है? अगर आप लड़ने का जज्बा रखते तभी उस लड़ाई में करते, आधी लड़ाई छोड़ के वापस आना मुझे नहीं लगता है कि योग्य है, और उसके पीछे आप कोई भी कारण दे। रोहन, एक बात, आप लोग डिनायल मोड में तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। आप लोगों के 8-9 साल के अंदर अंदर 6 मुख्यमंत्री स्तर के नेता भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। देखिए, आपके बड़े बड़े कद्दावर वो अभी नाम गिना रहे थे। आप लोग ऐसा तो नहीं है कि आप प्रॉब्लम को पहचानना ही नहीं चाहते, आप उससे आंख बंद करके रखना चाहते हैं और कहीं और मरहम पट्टी कर रहे हैं जहां असल में घाव है ही नहीं, और इसलिए कांग्रेस की दशा हो रही है? देखिए, अब कांग्रेस की विडंबना समझे, ऐसे ऐसे लोग गए जिनको पार्टी ने सब कुछ दिया, मैं उनके लिए सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग भी गए हो, मुझे बताइए कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है उनको उससे ज्यादा क्या दे सकती थी पार्टी? क्या गुलाम नबी जी को विपक्ष में होते हुए 2 बार राज्यसभा नहीं भेजा? जो भी आप व्यक्ति का नाम दे रहे हैं, आरपीएन सिंह हमारी सबसे बड़ी सीडब्ल्यूसी के मेंबर नहीं है? जितिन प्रसाद क्या सीडब्ल्यूसी के मेंबर नहीं थे? आज मुद्दा यह है कि जिस संस्था में आप हैं, जिसने आपको सब कुछ दिया, जब आपको उसकी जरूरत है आप छोड़ जाए, ठीक है, आपकी व्यक्तिगत चॉइस हो सकती है, पर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कारण। दूसरे तरीके से देखिए कि जो लोग इतने उपकृत रहे, जो लोग इतने लॉयल रहे, जो लोग इतने दूर तक साथ आपके चले, वो भी आखिर में आकर ये देख रहे हैं कि अब तो यहां कुछ नहीं बचा। देखिए, कुछ नहीं बचा है, ये व्यक्तिगत चॉइस का मामला है। मैं यही कह रहा हूं कि अगर मेरी राजनीति सत्ता की है, मुझे लगता है कि नहीं, मुझे अभी 2-3 साल सत्ता नहीं, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी से नहीं मिल पाते थे। देखिए, मुझे इन्होंने पार्टी ज्वाइन करा, नहीं नहीं, अगर ये होगा कि अपने ही लीडर से लोग मिल नहीं पाएंगे, उनकी अपनी सुनवाई नहीं होगी। मैंने अकेले नहीं कहा, सचिन पायलट ने भी कहा है, ज्योतिराव सिंधिया ने भी कहा है, जितिन प्रसाद ने भी कहा, आरपीएन सिंह ने भी कहा है, और दूसरी बात है, अमन विश्वास शर्मा ने, मैं अभी भी कहना चाह रहा हूं, शर्मा ने कहा था अगर इस व्यक्ति राहुल गांधी से मिलने जाता हूं तो कुत्ते को भी, मैं सारी बात करने को नहीं, मैं व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूं, नहीं, मैं मूल कारण पे जाना चाहता हूं। बिल्कुल नहीं, गलत बात है, राहुल गांधी जी को मिलने की बात हो, मैं भी मिला हूं, ये भी मिले हैं, मैं छोड़ूं उसके बाद इस प्रकार की चीजें लिख के जाऊं, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति, मैं व्यक्तिगत सिर्फ इनके लिए नहीं बोल रहा हूं, मेरे को भी अगर परेशानी है, आप ये कह रहे हैं कि जब कोई छोड़े तो ये सब ना बोले? बिल्कुल, एक एक व्यक्ति छोड़ सकता है, लेकिन आप छोड़ सकते हैं, आपके व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, मतलब अगर आप छोड़ेंगे तो ये सब नहीं बोले? मैं नहीं छोड़ूंगा। दूसरी बात, व्यक्तिगत कारण क्या है? आप जब छोड़ते हैं, आपके व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं कि आपके ऊपर केस लगे हैं, आपको लगता है कि आप भाजपा में जाएंगे वो केस चले जाएंगे, आपको लगता है चुनाव में आपको एक टिकट मिल जाएगा, आपको लगता है आप एमएलए बन जाएंगे, ठीक है, आपके व्यक्तिगत कारण है, आप बोल के जाइए, नहीं मानते। वैसे आपकी जो बात है इसमें लोग ये कहते हैं कि जो हार्दिक अगर मुंह खोल दें तो आग निकलती थी, वो आजकल एकदम शांत हो गए। देखिए, दो चीज समझनी पड़ेगी। जब उन्होंने कहा कि हार्दिक को प्लेटफॉर्म कांग्रेस ने दिया, तो मैं इनको बता दूं कि 2017 से पहले एक भी चुनाव में आप 65 सीट के ऊपर नहीं गए थे। 2017 का माहौल, हम जैसे नौजवानों के कारण आप 77 तक पहुंचे, तो प्लेटफॉर्म हमने उन लोगों को दिया है, पहली बात है। और उन्होंने कहा कि केसों के कारण आपको लड़ाई लड़नी चाहिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 25 साल से आप सरकार में नहीं है, चलिए आप मानते कि इतनी सारी परेशानियां गुजरात में है, तो बताइए कौन सा बड़ा आंदोलन आप लोगों ने जनता के लिए किया है, पहली बार। अब ये केस की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं आप पर कितने केस है जनहित के आंदोलन से जुड़े हुए, बताइए। मुझ पर 32 केस है, मुझ पर 32 केस है, हमने तो जनहित का आंदोलन किया है, आपने आंदोलन किया, आपने लोगों का काम किया है, आपने आंदोलन किए हैं तो क्या मजबूरी रही? क्या आपके आंदोलन खत्म हो गए? क्या जनता के मुद्दे खत्म हो गए? अरे आपको पाटीदार है तो मुझे चुने, पीएम मोदी ने किया 5G सेवा का आगाज, बोले ये अपार संभावनाओं की शुरुआत, भारत ने इतिहास रचा, डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए जरूरी था 5G। पाकिस्तान के दुष्प्रचार पर भारत का बड़ा कदम, पाकिस्तान
उद्घाटन 2017 में भी उद्घाटन, ये पहली सरकार है। देश का सबसे बड़ा मेट्रो का दो बार, दो बार देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट में हुआ, 2022 में मेट्रो का होता है। ये खिलाफ है, जो इसीलिए मेट्रो आज इनकी मजबूरी में देख रहा हूँ। आप मेट्रो के खिलाफ ये बात है, रोहन ने बताया, रोहन वो एक सवाल पूछ रहा है, मेट्रो के खिलाफ है, मेट्रो के खिलाफ उद्घाटन होगा, मेट्रो के खिलाफ उद्घाटन होगा, हो गई 2017 में, वो दो बार उद्घाटन होता है क्या? आप तो आंदोलन, दो बार उद्घाटन, पहला फेस हुआ था वस्त्राल का, पहला ही फेस है, नहीं नहीं, तो 32 किलोमीटर का है, 32 किलोमीटर में दो बार उद्घाटन, फोटो में 5 साल में 32 किलोमीटर, जो लोग चलना चाहते हैं 5 साल में 32 किलोमीटर, वो दो बार उद्घाटन, आप इसको सही मान बड़ा, इतना बड़ा 32 किलोमीटर, आप सुनिए तो सही, अब सुनिए, 5 साल का तो डिस्कशन नहीं, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, देखिए मेरी बात सुनिए, आप भी वही थे, आप भी वही अहमदाबाद में, मुझे नहीं लगता वो कह रहे हैं, वो मेट्रो के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस में संघर्ष का कलह का एक अध्याय तो आज मोटे तौर पर निर्णायक पटेल के बारे में बताइए। हाँ। ये आज जो बातें कर रहे हैं, मैं नहीं चाह रहा था कि व्यक्तिगत, क्योंकि इनको प्लेटफॉर्म बहुत दिन के बाद मिला, ये बोलेंगे उनकी मजबूरी है, मैं गुजरात की बात करूंगा। अभी गुजरात में एक कहावत चल रही है कि पहला रोड शो ने पची 150, अत्यारे रोड शो करशे अने पची 150 करी नाखशे पेट्रोल ना। मुद्दा क्या है, जब 27 साल की बात कर रहे हैं, कुपोषण की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, गरीबी की बात हो, मैं सारे आंकड़े लेके तो चुनाव दर चुनाव ये मुद्दे उठाते हैं, बिल्कुल नहीं। यहां सुनती क्यों नहीं है जनता, इस बार क्यों नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी? 2022 जो 2017 की बात थी, थोड़े के लिए हमारी थोड़ी सी मेहनत कहीं ना कहीं 8-10 सीटों में, यहाँ पे भी आपका प्रबंधन रघु शर्मा और अशोक गहलोत देख रहे हैं क्या? बिल्कुल, रघु शर्मा जी यहाँ के हमारे प्रभारी है, अब वो लोग सरकार, वो लोग आपस में उधर संभाल नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसे संभालने की गुजरात में, आप सब कुछ संभालेंगे, ये कांग्रेस लोग तो ये कह रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत प्रबंधन था अहमद पटेल साहब के चले जाने के बाद, और ये जो सिर्फ उटाउल बची हुई है उसके बाद और कुछ नहीं रहेगा। पूरी तरह से पार्टी तैयार है, और मैं आपको बताना चाहूंगा 2017 में जितने भी सर्वे हैं, सब लोग कहते थे कि कांग्रेस की 30 से ज्यादा सीट नहीं आएगी, थोड़े से हम रह गए, इस बार ये चीज होके रहेगी। आज ये बात कर रहे हैं, आप जनता से जाके पूछिए, कोई व्यापारी साथी हो, छोटा हर आदमी परेशान है। अरे तो आपका जो वैक्यूम था वो भरने के लिए आम आदमी पार्टी आ गई है सर। देखिए, अभी महात्मा गांधी का फोटो हटा के गुजरात में आके जो लोग राजनीति करेंगे, ये सब तो 2-4 दिन के लिए ट्रेलर दिखाएंगे, इनका कोई महत्व नहीं है। क्यों बता रहा हूं आपको, उत्तराखंड के पूरे चुनाव में था, वहां पे क्या हुआ, उन्होंने प्रयत्न किया कि वहां पे अपनी जमीन बनाए, नहीं कर पाए, सिर्फ 1.5% वोट आया। यहां पे जो उद्देश्य से भाजपा ने उनको इंट्रोड्यूस किया है वो बैकफायर होगा, क्योंकि दिस इज द ओनली अर्बन सीट जहां 65 सीट में कांग्रेस वीक थी, आज इनको मालूम चलेगा कि इनकी गेंद उनको बैकफायर हो रही है। दूसरी बात, नशे की हम बात करें, ये बात करें 25,000 करोड़ का ड्रग्स गुजरात में कभी नहीं पकड़ा गया इतने सालों में, पहली बार हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि भाजपा की नीति जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी है कि लेके आए जनता के सामने कि 25,000 करोड़ का ड्रग्स क्यों। चलिए, आम आदमी का एमएलए, एक मिनट और, आपने गंभीर सवाल उठाए, एक सेकंड मैं अब इस पे बात कर लूं जरा। हार्दिक के महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछ रहा हूं, ये लोग जानना चाहते हैं कि हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद हार्दिक पटेल जैसे क्यों नजर नहीं आते? वो वैसे बोलते नहीं है, वो उनका तरीका नजर नहीं आता, वो उतने फंक्शंस में नजर नहीं आते, वो कहीं पीछे कहीं हाशिए में दिखाई देते हैं, शांत कर दिए गए हैं क्या? पहले सवाल का जवाब मैं उनका देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि 25,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया है, तो उनको तो तारीफ करनी चाहिए गुजरात पुलिस की कि आपने 25,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा है, तो ये अच्छी बात है कि आपने पोर्ट पे या कहीं से भी लोगों से पकड़ तो लिया है ना। अभी लेंगे, आप लोगों का भी सवाल लेंगे, आपके सवाल लेंगे भाई साहब, लेंगे एक सेकंड। जो लोग पुलिस इतनी मेहनत करके गुजरात की पुलिस ने ड्रग्स पकड़ा है, तो ये अच्छी बात है, हम भी मानते हैं कि ड्रग्स नहीं आना चाहिए, ड्रग्स लोगों के बीच में नहीं बंटना चाहिए, लेकिन हमने पकड़ा है तो हमें पहले तो गुजरात पुलिस की सराहना करनी चाहिए कि आपने चलो ड्रग्स पकड़ा है। दूसरी बात, आपने कहा कि आप पार्टी में ज्वाइन होने के बाद दिखते नहीं, देखिए हम आपका एक स्टेटमेंट आपको याद दिलाता हूं, आपने कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद ये बात कही थी कि वैसा ही है कि किसी नए नवेले दूल्हे की नसबंदी करा दी जाए, मुझको वैसा महसूस होता है, ये बात कही थी आपने, यहाँ कैसा लग रहा है? देखिए, यहाँ पर मैं अपने तरीके से काम कर सकता हूँ, अपनी जगह पे काम कर सकता हूँ, तो मुझे आनंद है। और स्वाभाविक रूप से आप हमारा ट्विटर और फेसबुक देखेंगे तो हमने जहां जहां पर काम किया, जिस हिसाब से हम काम करते, जो भी काम करते, उसे जनहित में फायदा दिला सकते हैं। जैसे कि
अमित भाई और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने ये तय किया कि हम सानंद और बावड़ा के 132 गांवों में हम पानी पहुंचाना चाहते हैं कैनल का, जो वहां तक कैनल नहीं पहुंची थी, और उसका विरोध बहुत बार मेगा पाटकर ने और सब लोगों ने किया था। 132 गांवों में वहां के लोगों ने जाके मुख्यमंत्री साहब को विज्ञापन दिया, आवेदन दिया कि सर हमारे इलाके में आप पानी का बंदोबस्त कराइए। अमित भाई शाह ने तत्काल मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके वहां पानी का बंदोबस्त कराने के लिए, जो खारीकट कैनल बोलते हैं, वहां पानी पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। आप बोल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हमारा मकसद यही है कि राजनीति का उसूल तीन चीजों पे चलता है, पहला जनहित का काम, दूसरा प्रदेश हित का काम, और तीसरा राष्ट्र हित का काम, और इस तीनों काम के साथ हम काम करते हैं। अब दुनिया क्या बोलती है, भीड़ में दो लोग बोलेंगे फलाना ढिकना, उससे हम ध्यान देंगे तो जो सही काम है उससे भटक जाएंगे और हम अपने काम में व्यस्त रहते हैं। दूर से कौन बोलता है, भीड़ में खड़ा हुआ इंसान वो कभी आता नहीं है सामने सच बोलने के लिए। हम तो बोलते हैं और हमने बोला भी है, और हकीकत ये है कि आज यहाँ जो भी नौजवान बैठा है, दुनिया चाहे कुछ भी बोले, हम लोगों ने आंदोलन किया था मेरे भाई, 10% रिजर्वेशन राज्यसभा और लोकसभा से पारित हुआ है। आज देश का सिर्फ पटेल कम्युनिटी नहीं लेकिन जनरल कास्ट में आने वाले हजारों लोगों को उसका लाभ मिलता है। पूरे देश में कई योजना नहीं है, गुजरात में 1,000 करोड़ की युवा स्वावलंबन योजना चलती है जिसमें MBBS हो, इंजीनियरिंग हो, विदेश पढ़ने जाने के लिए लोन की व्यवस्था हो, गुजरात में मिलता है। आंदोलन किया, सरकार ने उसका सहयोग किया, और दो चीजें, जब आप आंदोलन करते हैं तो आप जेल में भी जाते हैं, संघर्ष करना पड़ता है, हमने किया है, और उसके बाद जब हम सत्ता के साथ गए तो फायदा उसका यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम फायदा वो पहुंचाए। कई लोग जो आपके करियर ग्राफ को, आपको जब इस तरीके से बोलते देखते हैं, देखिए 30 साल के अभी नहीं हुए हैं, और बोलने का अंदाज देखिए और जो जो प्रॉमिस है वो देखिए इस पर्सनैलिटी में। लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि क्या हार्दिक भाई को ठंडा कर दिया गया है, अब उनका जो पीक था उन्होंने देख लिया है और अब वो ज्यादा नहीं बोलेंगे। उनके करियर ग्राफ में भी अब आप ये देखेंगे, जनरली जो बहुत मुखर होकर विरोध करते हैं उनको येन केन प्रकारेण भारतीय जनता पार्टी अपने यहाँ ले आती है, उसके बाद शांत कर देती है, ठंडा कर देती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लोग अपनी जन सेवा के हितों के साथ पार्टी ज्वाइन करते हैं उनको काम करने का मौका मिलता है। अब आप ये कहते कि तो आपने जब उन नेताओं को जनरल डायर तक कहा था तो वो आपसे सवाल नहीं पूछते? मैंने कहा है, मैंने कहा मना कर रहा हूँ और इसमें पीछे भी नहीं हटता। मैंने जब पार्टी ज्वाइन की तब भी उस हॉल के भीतर TV9 के एक पत्रकार ने जब ये सवाल किया तब भी मैंने कहा था कि वो मेरा आंदोलन था और आंदोलन सफर करने के लिए मुझे उस हद तक वो लड़ाई लड़नी थी, उसका फायदा हजारों लोग लेते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं उसमें, मैं माफी भी नहीं मांगूंगा। वो आंदोलन था, आंदोलन में वो लड़ाई में लड़ने वाला था और उसके कारण ये आंदोलन सफल हुआ। तो ये चित भी मेरी, पट भी मेरी, सिक्का भी मेरा, ये कैसे कर लेते हैं? नहीं नहीं नहीं, देखिए आंदोलन की बात अलग है, आंदोलन उसी प्रकार चलते हैं, आंदोलन उसी हिसाब से चलते हैं और उसका फायदा लोगों को हम दिलाते हैं। आंदोलन ऐसे ही चलते हैं और आप लोग ये आंदोलन की कला सीख नहीं पाए रोहन। देखिए ये जैसे हार्दिक भाई ने कहा कि वो सही बोलते हैं, उनका एक ट्वीट था भाजपा में सही, कांग्रेस के संस्कार है और तो क्या, जो भीड़ से और कोई तो नहीं बोल रहा, आप जनता को बोलते हो, जनता को, जनता की आवाज सुनाई दे रहे हैं, इतना लड़ने का सोचते तो जाओ गांधीनगर, क्यों डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? मत 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 फ्रस्ट्रेट मत हो, ये होता है। उन्होंने कहा था, आप कहो ना आपकी पार्टी मेरे मेरे, अरे ये तो जनता है, ये जनता है, मेरी आवाज नहीं है, आपकी पार्टी कैसे हो गई? अरे क्यों, ये जनता ही है ना, क्यों जनता नहीं है आपके ही लोग? अरे इतना मत बोलिए, हकीकत किया है तो स्वीकार कीजिए, उसको सहन कीजिए, होगा जनता है तो होगा। अभी आप इतना लिखेंगे तो क्या होगा? एक मिनट प्लीज, भाजपा में सही लोगों का सम्मान नहीं, वो सही है नहीं, तो क्या ये नहीं कहा जाता कि राहुल गांधी अपने पेट्स को देखने में ज्यादा बिजी रहते हैं, नेताओं से नहीं मिलते? मैंने यही कहा कि जो भी आदमी कांग्रेस छोड़ के जा रहा है ठीक है, उसके अपने व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, बट जिस पार्टी ने आपको कुछ दिया है, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत तौर पर किसी भी व्यक्ति को, आपको भी अगर आज आपको अपने जो केंद्रीय परिवार है उसके अतिरिक्त अध्यक्ष के बारे में सोचना पड़ रहा है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि असल में जो है बाहर छोड़ के गए हुए लोगों को दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं, अध्यक्ष का छोड़ना नहीं पड़ रहा, ये एक लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, ये पहली पार्टी है इतने सालों में जो लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष चुन रही है, भाजपा ने तो भी लोकतांत्रिक तरीके में आपके आपके मनीष तिवारी को ये यकीन नहीं है? बिल्कुल, अगर पार्टी के अंदर देखिए यही तो लोकतंत्र है ना, जितना जबरदस्त जो लोग कांग्रेस में होते हैं तब उनके पास एक अधिकार होता है कि अगर उनमें मन में कुछ बोल पाए दूसरी जगह जाके तो बोलने का अधिकार। लोकतंत्र कहते हैं कि एनआरसी कहते हैं? बिल्कुल नहीं, लोकतंत्र है। अगर मनीष तिवारी जी को थे वो भी अध्यक्ष में रह सकते थे, उनको किसी ने रोका नहीं। दूसरी बात,
चार बार जो चुनाव हुए हैं एकमात्र कांग्रेस पार्टी है जिसने अध्यक्ष पद के चुनाव करवाए हैं, एकमात्र कांग्रेस पार्टी है जहां पे इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, एकमात्र पार्टी है जहां पे आज ये कॉन्टेस्ट होगा और जो जीतेगा कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनेगा और अपने हिसाब से पार्टी को आगे लेके जाएगा। ये मात्र कांग्रेस पार्टी कर सकती है। अच्छा, या नॉमिनेशन नहीं है। ये रोहन यहां कह रहे हैं, अब मैं नहीं जानता कि इस हॉल में किसके कितने समर्थक बैठे हुए हैं, रोहन कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाएंगे, कांग्रेस पार्टी आपको और शीर्ष पर जाती हुई दिखाई देगी, अभी आप देखिएगा आने वाले दिनों में चमत्कारिक बदलाव होंगे। आप लोगों को ऐसा लगता है क्या कि जितने लोग हॉल में बैठे, अगर आपको लगता है कि चमत्कारिक बदलाव होंगे तो ताली बजाइए। अच्छा, इधर वाले, ये एक सेक्शन से आवाज आ रही है, जो आपके ऊपर बोल रहे थे वहीं से आवाज आ रही है, तो ये आपने साबित कर दिया कि कांग्रेस ही बैठे हुए। अब दो सेक्शन हो गए तो ये रोहन साहब के साथ आए हुए लोग हैं मुझको। अच्छा, मतलब आपने वो जजमेंट भी ले लिया? नहीं नहीं, अब क्योंकि वो देखिए दोनों ही बातें वो खुद साबित कर रहे हैं और फिर आपने जजमेंट लिया, ऐसा तो मत कीजिए। चलिए, अब दूसरी बात ये कि आप में से कितने, अब जरा दूसरी ताली सुनते हैं, आप में से कितने लोगों को लगता है कि कांग्रेस खुद अपनी समस्या का शिकार है, अब इस बार की ताली बताएगी कि अब ये बताइए रोहन भाई ये लोग क्या कह रहे हैं। अच्छा, ये किसके साथ आए, मतलब ये जनता है? मैं जानना चाहता हूँ ये। जब कांग्रेस के लिए तालियां बजी वो मेरे साथ आए और जब दूसरी ताली बजी वो किसी, ज्यादा तालियां कितनी बजी है बताइए, किसने बजी? मत कीजिए आप तो ऐसा मत। मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ, मेरे साथ थे आप, ये जनता है। मैंने एक सवाल आपसे पूछा, मेरा सिर्फ इतना कहना है रोहन जी, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि क्या, मैं अभी आऊंगा आपके पास भाई साहब, आपका उत्साह गजब का है, कमाल का है और यहाँ पे इस हॉल को जीवंत बनाने में, स्फूर्त बनाने में आपका बड़ा योगदान है, लेकिन थोड़ा सा संयम रखिए, मैं आता हूं। मैं एक बात यह समझना चाहता हूं रोहन, कि क्या इसी डिनायल मोड के साथ आप गुजरात चुनाव में जा रहे हैं? क्योंकि अगर यही है और आप इन सब चीजों को मानेंगे कि सब कुछ ठीक है तो नतीजे वही आएंगे जो पहले आ रहे थे। देखिए, हमेशा एक सवाल उठता था कि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ गांधी फैमिली ही जो चाहती है वो होता है, वही अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, मैंने सारी डिबेट वहां अटेंड करते हैं। आज उस चीज को कांग्रेस पार्टी ने दिखाया कि लोग राहुल गांधी को अध्यक्ष बनने से कौन, कोई नहीं रोक सकता था। आज भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, पूरे देश को जोड़ रहे हैं। मेरी बात को पहले पार्टी को जोड़ लो, मेरी बात मैं खत्म कर लूं आपकी। दूसरी बात, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष के चुनाव के नॉमिनेशन हुए, दो लोग ने अपने फॉर्म भरे, चुनाव होगा और जो जीत के आएगा वो अपने हिसाब से पार्टी को आगे लेके जाएगा, ये दूसरी पार्टी में संभव नहीं है। इसी प्रक्रिया में अभी जेपी नड्डा जी का रातों रात एक्सटेंशन कर दिया गया, क्यों? हमको अगर कोई सवाल पूछेंगे तो करके दिखाए, क्यों करके नहीं दिखा पा रहे? यही एक पार्टी है चार बार जहां पे अध्यक्ष से चुनाव हुए। और देखिए, परिवर्तन हर चीज का एक समय होता है। कांग्रेस पार्टी भी अपने आप को तैयार करिए, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कहा कि पूरे जो इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग हो रहा है, ये इजी काम नहीं है। मैं आपको कहना चाहूंगा, जो भारत जोड़ो यात्रा में देश जुड़ रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए देश के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, उसकी शुरुआत गुजरात से होगी। और जो लोगों ने कांग्रेस पार्टी को 2017 में पीएफआई को लेकर अभी जो एक्शन लिया गया उसमें आपके कई बड़े नेता बिल्कुल गलत काम हो गया, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, डिबेट में बोल रहा हूं, एक भी कौन बोल रहा है गलत बात काम हो गया, बात मत कीजिए। और देख, ये बताइए एक बार, मैं पूछ लेता हूं, उनको छोड़ दीजिए, कैसे कहा, ये मेरा सवाल है, इन्फॉर्मेशन गलत, बताइए, पूछ लेता हूं, बोलिए नो, कांग्रेस के नेताओं ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया, चाहे आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे आतंकवाद का कोई जुड़ा हुआ मुद्दा ही क्यों ना हो, कभी भी कांग्रेस पार्टी ने दम खम के साथ खड़ा होकर ये कहना पड़ा। ये आपको कब रियलाइज हुआ कि कांग्रेस जो है ये सब मुद्दों में अपनी आवाज अच्छे से नहीं उठा रही? 370 का सबसे बड़ा मुद्दा था मई में 2022 में रियलाइज हुआ आपको? नहीं, तो मैं ज्वाइन कब हुआ उसके बाद रियलाइज कब हुआ था ये 370 हटाने का फैसला? नहीं, मैं 2019 में ज्वाइन हुआ, उसकी ट्वीट दिखा दूं, मैं 2019 में ज्वाइन हुआ और 2019 के बाद चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे 370 का मुद्दा हो, चाहे गुजरात से लेकर हुए कई सारे मुद्दे क्यों ना हो, तो स्वाभाविक है, दो साल ही हुए मेरे पार्टी में, तो अच्छा है कि मैं दो साल में समझ गया, गुलाम नबी आजाद 45 साल के बाद समझ पाए। देखिए इनका ट्वीट दिखा रहा हूं, कपिल सिब्बल साहब, बलात्कारी जनता पार्टी, कपिल सिब्बल साहब इस पार्टी को बलात्कारी जनता पार्टी बोले हैं, ये उनकी मजबूरी हो सकती है, इन्होंने कहा बलात्कारी जनता पार्टी। एक बात, नहीं नहीं, इन जो ट्वीट्स आप एक के बाद एक दिखा रहे हैं, अच्छा है वो लेके आए हैं, नहीं नहीं, ये हिम्मत का काम है, मुझे लोगों ने भेजा है, ये बड़ी हिम्मत का काम है हार्दिक, बिल्कुल, कि आप इतनी लंबी जो है लाल रेखा खींचे पहले और फिर खुद ही उसको क्रॉस करके आगे चले जाए। क्या लाल रेखा है, जो सही है वो किया है, मैंने आंदोलन किया है। मैं समझ नहीं रहा कि अगर आपने आंदोलन किया है कि हम पार्टी के ही खिलाफ थे,
क्या हम पार्टी के खिलाफ थे? हमारी लड़ाई सिर्फ पार्टी के खिलाफ थी, हमारी मुद्दों के साथ लड़ाई थी, और उस मुद्दों का जब समाधान हुआ तो स्वाभाविक है फिर मैं अपना फैसला। तो आप मुद्दों के हिसाब से ये पार्टी परिक्रमण जारी रखेंगे? भारतीय जनता पार्टी हमारा मुद्दा था, आपको आइडिया ना हो तो बता दे हमने आंदोलन क्यों किया था। मैं 50 बार बोल चुका हूँ, फिर आप कितना भी उल्टा घुमा के बोलेंगे उसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला। हमारा मुद्दे के आधार पर आंदोलन था, जब हमारे मुद्दे समाप्त हुए फिर व्यक्तिगत मेरी राजनीति मुझे कहाँ करनी। नौकरी मिल गई सबके परिवारों को? नौकरी मिली? बताइए देश को, बताइए पाटीदार कम्युनिटी को, बताइए, झूठ मत बोलिए। नौकरी मिली उनके परिवार को? आपका मुद्दा था, आपका मुद्दा था नौकरियों का या नहीं था हार्दिक भाई? बताइए, पहले सुनिए तो, आप सुनिए तो सही, बताइए नौकरी मिली आपको? मालूम है आप बताइए नौकरी मिली? कितने लोग सही हुए देश के सामने? लोग सही हुए? नौकरी मिली? कितने लोग सही हुए? नौकरी मिली? अरे कितने लोग? आपका मुद्दा खत्म हुआ नौकरी का? बताइए, बताइए देश के सामने, झूठ मत बोलिए। आप झूठ बोलेंगे तो मुझे आपसे कोई व्यक्तिगत परेशान नहीं है। आप बताइए नौकरी मिली? नौकरी मिली? अरे मुझे किससे नहीं सीखा? नौकरी मिली? नौकरी मिली? नौकरी मिली? मुद्दा कैसे पूरा हो गया? अगर नौकरी नहीं मिली तो मुद्दा कैसे पूरा हुआ? तो आपको ये भी नहीं मालूम नौकरी मिली, मुद्दा था नौकरी का या नहीं था? था या नहीं था? कॉमेडी कर रहे हैं, सीरियस है ये, मुद्दा था, झूठ मत बोलिए। देखिए किसी को मुद्दा था, नौकरी थी, नौकरी का था वादा? अरे सुनिए तो, नौकरी की मांगी थी आपने, मिली नौकरी? नौकरी मिली? तुम्हारी तरह नहीं, नौकरी मिली? तुम्हारी तरह नौकरी मिली? नहीं मिली, झूठ मत बोलिए। पढ़ रहे देश देख रहा है, बच्चे पढ़ रहे गुजरात में खड़े हैं, नौकरी नहीं मिली? गद्दारी मत कीजिए, इतनी गद्दारी मत कीजिए। कम से कम कांग्रेस से तो की, पाटीदारों से मत कीजिए, पाटीदारों से मत कीजिए। चुनाव में लड़ना है, चुनाव देखिए किस प्रकार से, जिस प्रकार से यहाँ लोग बैठे हैं, इससे जिस प्रकार से इनकी जो भाषा है मैं उसमें नहीं जाऊंगा। जो पाटीदार समाज के आंदोलन बन के आए हैं आज, वही तरीके से, वही तरीके से देश के साथ होगी। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी में नहीं जाना चाहूंगा, पर जो नौकरी नहीं मिली है, आप मत बोलिए कि मुद्दे खत्म हुए। मैं आपसे मुद्दे की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ। मुद्दे पूरे हुए, सुनते क्यों? नौकरी मिली? आप नौकरी मिली? नौकरी मिली? नौकरी मिली? नौकरी मिली? यही तो सिस्टम है, राहुल गांधी मिली वही बोल रहा है, राहुल गांधी से नहीं चलता देश। नौकरी मिली? नहीं मिली ना, झूठ मत बोलिए ना। देखिए मुद्दा यहाँ पे क्या है, मैंने पहले भी कहा किसी के भी व्यक्तिगत कारण, व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, पर झूठ नहीं चल सकता है जनता के सामने। अगर नौकरी नहीं मिली है तो नहीं मिली है, ये वादा खिलाफी है पाटीदार समाज के सामने, और इसका जवाब इस चुनाव में मिलेगा। हम ये वादा खिलाफी के खिलाफ है। दूसरा मैं वापस एक चीज बोल रहा हूँ, उन्होंने सवाल किया तो सुनना तो पड़ेगा। एक सेकंड, आपने नौकरी मिली? अच्छा नौकरी मिली तो सुने तो सही, उनका जवाब भी सुन लीजिए। बोलिए नौकरी मिली? बोलिए, आप बोलते रहिए, बोलिए बोलिए, गुस्सा मत होइए। पहली बात, इनको मालूम ही नहीं कि कितने हमारे समाज के नौजवान शहीद हुए, बताइए। आप बताइए नौकरी मिली कि नहीं मिली? मैं तो सवाल को मालूम ही नहीं है। आपके समाज है, आप नौकरी मिली? अरे आपको याद होता था पार्टी नहीं ज्वाइन करते भाई साहब, आपको मालूम होता कि इतने सही होते तो वो पार्टी में नहीं जाते, राजनीति छोड़ देते आप, राजनीति छोड़ देते आप, पर मान नहीं जाता। नौकरी मिली? पढ़े नौकरी मिली? तब आपने डिमांड की, तब आपको क्यों मालूम नहीं चला? वो पढ़ रहे, आपने क्यों डिमांड की? नहीं वो पढ़ रहे, आपके सदस्य की बात नहीं, देखिए पढ़ रहे, ये तो जनता तय करेगी, गुजरात की, नौजवान अभी गुजरात की जनता चेंज करेगी, आपके हिसाब से वादे पूरे होंगे सारे? बिना पढ़े नौकरी दे दे सारे वादे। रोहन, उनको एक मिनट के लिए अकेले बोलने दीजिए, फिर आप बात कीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। आपने जिन मुद्दों को लेकर आपने आंदोलन के लिए बात कही, इनको बीच में ना बताइए, जवाब दो रोहन। आप प्रॉमिस कीजिए कि अगले 1.5 मिनट तक आप मेरा सवाल का जवाब, नहीं नहीं आप बीच में नहीं बोलेंगे। पटेल समाज के 14 नौजवान आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे, और उस टाइम ये बात थी कि जब नौजवान पढ़े लिखे और उसके बाद जब उसका नौकरी का समय आए तो सरकार उनको सरकारी अर्ध सरकारी नौकरी दे। पहले तो इनको मालूम ही नहीं कि हमारे समाज के इतने नौजवान शहीद हुए, 14 नौजवान, उसमें ऑफिशियली 9 जो गोलीबारी में शहीद हुए थे। आपको याद है कम से कम उतनी अच्छी बात, तुमको ये भी याद नहीं है कि इस देश के खास, मैं ये बोल रहा हूँ आपको याद है वही बड़ी बात है। और नौकरी परिवार के सदस्य को नौकरी की बात थी, उनके पुत्र की बात नहीं थी, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ, करिए ना आप तो सुनिए ना, अरे करिए ना, क्यों नौकरी की बात झूठ बोल रहे हो आप? झूठ मत बोलिए, राहुल गांधी भी झूठ मत बोलिए, अरे आप कोई भी कर सकता है। आपने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, सुनने की तो आदत नहीं। आज आप रात में भी नींद में भी बोलने वाले, नौकरी मिली? बिल्कुल झूठ बोलेंगे, नौकरी मिली झूठ बोलेंगे, सहन नहीं करूंगा मैं। उनको नौकरी चाहिए, देखिए आपने नौकरी उनको चाहिए, बताइए नौकरी मिली? बेसिकली नौकरी उनको चाहिए, परिवार के सदस्य। लेकिन रोहन एक बात देखिए ना, मान लीजिए कुछ को नौकरी मिली भी होगी, आप ऐसे पूछते रहेंगे अगर तो आदमी गुस्सा होकर कह देगा नहीं मिली, जाओ ऐसा मत कीजिए, बोलते जनता के सामने। एक सेकंड
एक सेकंड, उनकी बात पूरी होने दीजिए। अभी भी 14 पाटीदार परिवार, इनकी इनकी बात को थोड़ा सिलसिला दे दूं मैं, एक थोड़ा सिलसिला, फिर आप बात दे दीजिए, आप जवाब दे दीजिए। अभी इनकी बात को थोड़ा सिलसिला दे रहा हूं। कुल मिला के कहना उनका यह है कि आप अपनी बातों पे टिके नहीं, आपने जो कहा उसको आपने सिरे पहुंचाया नहीं, और आज आप कह रहे हैं कि मैंने आंदोलन किया। एक्चुअली आपने ये भी कहा था, आपको याद होगा, कि मैं ए पॉलिटिकल अराजनैतिक आंदोलन लेकर लोगों के बीच में हूं, मैं कभी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगा, ये हार्दिक पटेल ने कहा था, आप सबको याद होगा। उन्होंने उन्होंने उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन कर ली, उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन कर ली। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि आपके कहे हुए को हम 24% कैसे माने, आंदोलन खत्म हो जाए तो फिर क्या, जो बात है उसी बात पर मुझे अड़ा रहना है। मेरा आंदोलन खत्म हुआ 10% रिजर्वेशन का, मैंने कहा था कि जब तक रिजर्वेशन, तो आपकी बातों को लोग ये समझा करें कंडीशन अप्लाई का स्टार लगा दिया यार, ऐसे नहीं होता। सुनिए आप, आंदोलन खत्म हुआ तो फिर क्या मुझे वॉशरूम जाने के लिए भी पूछना पड़ेगा कि मैं जाऊं या ना जाऊं? फिर मेरी जीवन तो है, मुझे कोई भी फैसला लेना मैं पॉलिटिकली लूं। और बात रही 14 पाटीदार की, बार बार बोल रहे हैं नौकरी मिली, आप कह रहे हैं कि आप वॉशरूम गए भारतीय जनता पार्टी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, ये आप पॉइंट को बदल रहे हैं। मैं यही कह रहा, बाद में क्या मुझे अपने जीवन का कोई फैसला नहीं लेने का? मेरा आंदोलन खत्म हुआ तो फिर वो आप एक ही बात करोगे, वॉशरूम जाना और एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना, आइडियोलॉजी बदलने, बड़ी बात है। पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली वो अलग चीज है, मैं यही तो बोल रहा हूँ ना। मैंने कहा कि अब मैं यहाँ 1 घंटे बैठा रहूंगा, फिर 1 घंटे के बाद मुझे कहीं जाना है, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं यही बोल रहा हूँ। और आप नहीं, वैसे ये क्या पॉलिटिकल पार्टीज का स्वभाव होता है, जैसे अभी अभी आपने, नहीं आपने सुना नहीं पहले 14 पाटीदार बच्चों वाला, उनको मालूम नहीं है 14 पाटीदार समाज में आज भी जो परिवार के लोग हैं वो बच्चे पढ़ रहे हैं। और जिन लड़की की शादी हो गई जो ससुराल चली गई है, उन लोगों को हम लोगों ने कहा था कि अगर आपको प्राइवेट जॉब में कहीं पर भी सेट होना है तो हम अभी करेंगे, लेकिन जो बच्ची पढ़ रही है, जो लड़का पढ़ रहा है, उसको तो नौकरी नहीं मिल पाएगी। और जब वो पढ़ाई उसकी खत्म हो जाएगी, चाहे ग्रेजुएशन हो चाहे जो भी हो, उसके बाद उसके लिए हम लोगों ने पूरे समाज के लोगों ने कहा है कि उनको नौकरी देने का वादा है, वो पूर्ण करेंगे। उसके अलावा मेरी एक भी बात कही है, हमने 10% रिजर्वेशन मिला, उसके बाद मैंने पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ज्वाइन की थी। अब कांग्रेस से वो काम मैं नहीं कर रहा, मैं बीजेपी ज्वाइन कर ली। और अगर आप ये बोलेंगे कि हार्दिक भाई आपने उस टाइम कहा था कि मैं राजनीतिक पार्टी में नहीं ज्वाइन करूंगा, हाँ जब आंदोलन था तब तक नहीं, और आंदोलन खत्म हो गया उसके बाद तो मैं कहीं पर भी ज्वाइन हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? एक बार कहते हैं कि एक बड़े नेता से भी पूछा गया, उन्होंने एक बड़ा अपना स्टेटमेंट बदल दिया, उनसे कहा गया कि आपने जो पहले कहा था वो सही है, वो ठीक है, या जो आप कह रहे हैं वो ठीक है? तो उन्होंने कहा, कहते हैं विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि जो मैं बाद में कहा करूं उसको आप सही माना कीजिए। और इसी तरीके से एक और बड़े नेता ने यह कहा था कि देखिए ऐसा है कि मुझको भी आत्म सुधार का और इवॉल्व करने का अधिकार है, अगर मैं आज इवॉल्व कर रहा हूं और अपने पहले के किए गए फैसलों से अब इवोल्यूशन के तहत कुछ अलग फैसला ले रहा हूं तो इसमें दिक्कत क्या है? बहरहाल ये राजनीतिक परिपक्वता दिखाता है कि हार्दिक अपने उन स्टेटमेंट्स को भी डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन आप जितने कॉन्फिडेंट, मुझको आप बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं अभी, आप जिस तरीके से ट्वीट्स निकाल रहे हैं हार्दिक के पुराने, मैं आपकी भावभंगिमा देख रहा हूं, आपका पैर हिलते हुए भी ये कह रहा है कि अगला मेरा तैयार है, तुम छोड़ो तो सही मुझको, लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंट इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर हैं क्या? बिल्कुल है। क्यों है मैं बता रहा हूं कि 27 साल से गुजरात में भाजपा का शासन है, ये कहा जाता है कि भाजपा के लिए गुजरात घर है। आज 5 साल के पहले जो सिचुएशन थी, मैं ग्रास रूट की बात कर रहा हूं, महंगाई की हम बात करें, देखिए हम किसी भी पार्टी में क्या हम डिनाई कर सकते हैं कि महंगाई नहीं है? आज पेट्रोल के बाद हर आदमी, कॉमन आदमी परेशान है। क्या बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, ये दो मुद्दे बहुत बड़े हैं। कुपोषण की बात करें, गुजरात पूरे देश में 3rd नंबर पे है। हर रोज यहाँ पे 5 बलात्कार हो रहे हैं। आज 18 आंदोलन, जब हम बात कर रहे हैं 18 आंदोलन गुजरात में चल रहे हैं। आंगनवाड़ी बहनों की बात हो, पुलिस कर्मी की बात हो, सरकारी कर्मचारी की बात है, मुझे बताइए कि अगर आपने, आपको किसी ने 27 साल तक भरोसा किया है तो आपको नहीं लगता है कि उसको आपको दिल से संभाला? देखिए मैं बता रहा हूं क्यों, यहां पे किसान बिना की खेती, शिक्षक बिना का स्कूल और खुशी बिना का गुजरात, जो उन्होंने किया है भाजपा ने, गुजरात की खुशी छीन ली है, गुजरात की। अच्छा ये बताइए, आप राहुल गांधी से आखिरी बार कब मिले थे? जी राहुल गांधी से आखिरी बार आप कब मिले? मैं 2 महीने पहले मैं मिला था उनको। और जैसे अगर आप आज फोन करें और बोले कि सर मुझको आपसे कल मिलना, बिल्कुल समय मिलता है, और हर आदमी को जवाब मिलता है, समय मिलता है, सुनते हैं और तारीफ भी करते हैं और मोटिवेट भी करते हैं। मैं आपको 10 फंक्शन मेरे ऐसे दिखाऊं कि जहां राहुल गांधी जी ने वर्करों से सीधी बात की है फोन करके। गलत, देखिए मैंने कहा व्यक्तिगत परेशानियां हो सकती है, आप उसको अगर ग्रेसफुली जाते हैं, मेरी बात को खत्म होने दिया प्लीज, 30 सेकंड्स। मेरा किसी से व्यक्तिगत विरोध नहीं है, उन्होंने मेरे साथ पुराना काम किया है, अच्छी तरह काम किया। मेरा एक
मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा कि राजनीति में परेशानी होना लाजमी है। आपके कई ऐसी आते हैं कि आपको लगता है कि अब मुझे नहीं है, बट एक ग्रेस जो होता है उसको किसी को भी नहीं। एक राजनीति का एक नियम होना चाहिए कि आप भले चेंज करते हो पर ग्रेस तोड़ने की बात है, मेरा सिर्फ उस दुख के सामने मैं यहां पे बात कर रहा हूं। दूसरा बात, उन्होंने कहा कि ये आज भी पाटीदारों के खिलाफ जो केसेस हुए थे वापस नहीं लिए गए। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, वो तो इस बात को मानेंगे कि आज भी केस वापस नहीं लिए गए, भले उनको लगे गलत है। गलत सही की बात नहीं, यहां पे आप जनता के लिए लड़ रहे हैं, परेशानियां होगी पर आपको लड़ना पड़ेगा। जो भी पाटीदार समाज के साथ प्रॉमिस किया था, कोई प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ है आज तक। तीसरी बात, आखिरी चीज यहां पे यह कहा जाता है कि डबल इंजन सरकार, जो यहां पे हाल हो रहा है जिस प्रकार से कल मोदी जी की सभा थी, लोग बीच में एक इंडिकेशन की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे लोगों ने हमेशा प्रधानमंत्री को प्यार से वोट दिया है। इस बार जो मैं फील कर रहा हूं बहुत स्ट्रांग एंगर है, हमको भी उसके सामने लड़कर एक विकल्प देना पड़ेगा। आपकी बात पूरी हो गई और अब मेरा ये सेशन भी पूरा हो रहा है जी, इसलिए पहले आप दोनों को मैं मित्र कह सकता हूं, आप दोनों बिल्कुल, आप दोनों मित्रों का बहुत धन्यवाद। आप दोनों इसमें संवेद स्वर में हाँ कह रहे हैं, ये बड़ी बात है। धन्यवाद। तो दिल अभी भी मिले हुए हैं, लेकिन अब ये चलते चलते बता दीजिए आपका यहां से अंदाजा कितनी सीटें कांग्रेस को आ रही है? 125 प्लस लिख लीजिए। ये कॉन्फिडेंस है क्या या कॉन्फिडेंस का विश्वास बोलने की कला? ये आप फैसला कीजिएगा कितनी आ रही है भारतीय जनता पार्टी। ये उस कॉन्फिडेंस के टाइप है जो गांव में भी सोचता है कि ऐश्वर्या से शादी मेरी हो जाए। तो हार्दिक भाई तो अच्छा कर आप भाई लाभ किसी और से करते हैं और शादी किसी और से करते हैं तो आपको तो ऐश्वर्या भी नहीं मिलेगी। लाभ अब ऐश्वर्या के बारे में मत कहिए वरना कोई बुरा मान जाएगा। अच्छी बात है कि हम लव भी करते हैं और शादी भी करते हैं। लव भी करते हैं शादी भी करते हैं और ये भी कह देते हैं कि 3 महीने चलेगी कि 3 साल की 30 साल इसका कुछ ठीक नहीं है। 3-4 बार बहुत धन्यवाद आप दोनों का और शादी फिर भी नहीं करते। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप दोनों यहाँ पहुंचे और आपने बहुत इन्वॉल्वमेंट के साथ इस चर्चा में हिस्सा लिया। ये एक इंटरेस्टिंग सेशन यहाँ समाप्त होता है, लेकिन अभी सत्ता सम्मेलन गुजरात समाप्त नहीं हुआ है, कई इंटरेस्टिंग सेशन इसके बाद, खास तौर से करीब 5:30 बजे आप देखने वाले हैं। अभी कुछ ही देर में हम आपको पूरा टाइम बता देंगे, असदुद्दीन ओवैसी के साथ खास बातचीत, तो ट्यून इन रखिएगा। TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़े रहिएगा, TV9 के साथ जुड़े रहिएगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।